तो ज्यादा टिकट इसलिए नहीं देती है बीजेपी क्योंकि मुसलमान बीजेपी पर विश्वास नहीं करते हैं। साथ ही ये भी ईश्वरप्पा ने जोड़ा अपने बयान में कि अगर मुसलमान बीजेपी को वोट दें तो बीजेपी उन्हें ज्यादा टिकट भी देगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अकबरुद्दीन ओवैसी ने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया है। चाय वाला और चौकीदार के नाम से अकबरुद्दीन ओवैसी ने तंज किया, देश को नाले की गैस से चाय बनाने वाला पीएम कहा है उन्होंने प्रधानमंत्री को। सिर्फ बातें, पुराने शहर में नालियां हैं, हाँ चाय वाले चौकीदार नालियां हैं, पाइप लेकर आ जा गैस निकाल। कैसा वजीर आजम है आप गौर करो, कह रहा है मैं जा रहा था, देखा एक गैस ले जा रहे थे, नाला था, पाइप डाला, नाले में से गैस निकली, चाय बनाया। क्या है ऐसा वजीर आजम चाहिए? क्या ऐसा वजीर आजम चाहिए हिंदुस्तान को? फिर क्या बोलता है, वो महाभारत के टाइम पे वाहन थी, सेलफोन भी था, बोला भाई एरोप्लेन था, फिर क्या बोले, प्लास्टिक सर्जरी भी थी। प्लास्टिक सर्जरी कैसी थी बोले तो कैसा समझाए, बोलेंगे अकबर साहब बोल रहे हैं, फिर नफरत अंगेज तकरीर। नहीं मैं नहीं बोला, चाय वाला चौकीदार ने बोला कि प्लास्टिक सर्जरी महाभारत के दौर में लाखों साल पहले भी थी, उसकी निशानी है कि गणपति महाराज गणेश महाराज का जब सर अलग किया था तो हाथी का सर लाके लगाए थे, ये प्लास्टिक सर्जरी थी उस वास्ते लगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसी हिमाकत तो यही कर सकता है।